आरसीसी कास्टिंग के वक्त क्या आपको फ्रेश कंक्रीट में वाटर मिक्स करना पड़ता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इतनी आसानी से ढलाई नहीं कर सकते और इतना इजीली जो है वो कॉम्पैक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कंक्रीटिंग करते वक्त सीमेंट ने अपना काम करना शुरू कर दिया होता है और इसीलिए हमारा कंक्रीट जो है वो सेट होना स्टार्ट हो चुका होता है, यानी कि हार्ड होना स्टार्ट हो चुका होता है। तो मतलब कि ये हाइड्रेशन प्रोसेस की वजह से ये इतना वर्केबल नहीं रहता, क्योंकि कंक्रीट धीरे धीरे हार्ड होने लगता है। हम इतनी आसानी से इस पर क्या है कि काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इसकी वर्केबिलिटी कम हो जाती है। और इसी वजह से ये क्या है कि इतनी आसानी से इस पर हम कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते, वाइब्रेशन नहीं कर सकते, और लास्ट में क्या है कि इतना अच्छा फिनिशिंग भी नहीं मिलता। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे ही आप डीशटरिंग करते हो तो आपको मतलब दिखाई पड़ता है कि सरफेस पे मतलब अच्छा फिनिशिंग नहीं आया और हनीकॉम्बिंग जो है वो दिखाई पड़ रहा है। तो इसका रीज़न भी यही होता है। और इसे अवॉइड करने के लिए जनरली लोग क्या करते हैं कि मतलब ड्यूरिंग कास्टिंग वो मतलब वाटर ऐड कर देते हैं, पानी ऐड कर देते हैं फ्रेश कॉन्क्रीट में। बट दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। इससे क्या होगा कि हमारा जो सीमेंट कंक्रीट है वो वर्केबल तो बन जाएगा, पर ये जितनी स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन किया गया है उतनी स्ट्रेंथ हमें नहीं मिलेगी और ये बीच में से ज़्यादा पोरस निकलेगा। तो इसकी वजह से क्या है कि मतलब आरसीसी में से वाटर लीकेजेस का प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगा। इन फ्यूचर क्या है कि आरसीसी स्लैब में से और कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उसमें से नमी दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आज आपके सामने एक ऐसा सुपर प्लास्टिसाइजर लाया हूँ जो इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर लेगा। पर इसे डिस्क्लोज करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये वीडियो जो है वो मतलब बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं अपना रिव्यू जो है वो शेयर कर रहा हूँ। बाकी बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप मार्केट में बहुत सारे सुपर प्लास्टिसाइजर्स अवेलेबल है, तो मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट है सिक्का कंपनी का विस्कोक्रीट 20HE, ये इसका पूरा नाम है। तो इसके बारे में मैं आज आपको सभी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा कि इसको कब, कहाँ, क्यों, किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, इस प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। ये एक लिक्विड एडमिक्सचर है, यानी कि एक ऐसा केमिकल है जो हम फ्रेश सीमेंट कंक्रीट या फिर प्लास्टर मोर्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हाई रेंज वाटर रिड्यूसर या फिर इसे हम सुपर प्लास्टिसाइजर भी बोल सकते हैं। तो सुपर प्लास्टिसाइजर का मेन एम ये होता है कि कोई भी फ्रेश कंक्रीट की वर्केबिलिटी मतलब कि फ्रेश कंक्रीट की जो है वो प्रॉपर्टीज बढ़ाता है, सीमेंट मोर्टर की भी प्रॉपर्टीज बढ़ाता है, और ये हार्ड होने के बाद इसकी स्ट्रेंथ पे अफेक्ट नहीं होने देता। तो मतलब कि सुपर प्लास्टिसाइजर से फ्रेश और हार्डन दोनों ही कंक्रीट की प्रॉपर्टीज जो है वो मतलब बढ़िया हमें मिलती है। ये विस्कोक्रीट 20HE फ्रेश कंक्रीट में ऐड करने से मतलब इसकी वर्केबिलिटी बढ़ती है, यानी कि हम एकदम आसानी से फ्रेश कंक्रीट पे काम कर सकते हैं। अब हम ये सिक्का विस्कोक्रीट 20HE का टेक्निकल रीजन देखेंगे कि साइंटिफिकली ये किस तरह से हमारे कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाता है। मतलब ऐसा क्या खास है इसमें कि बिना वाटर ऐड किए, क्या टेक्निक ये यूज करता है कि बिना वाटर ऐड किए हम मतलब एकदम इजीली इस पे काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दो टेक्निक्स इस्तेमाल करता है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एड्सॉर्प्शन, मतलब कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस यूज करते हैं। मतलब हमारे जो छोटे छोटे मॉइस्चर के वाटर के पार्टिकल्स होते हैं पूरे कंक्रीट में, तो यूजिंग दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस ये ड्रॉपलेट्स जो है वो एक दूसरे को धक्का मार देते हैं, मतलब रिपेल करते हैं, और इस तरह से ये क्या है कि पूरे कंक्रीट में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, कोई एक जगह पर इकट्ठा नहीं होते, और इसी वजह से हमें क्या है कि एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करना पड़ता। और दूसरी टेक्निक है स्टेरिक रिपल्जन। सोचिए कि ये टाइनी ड्रॉपलेट्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें छोटे छोटे आर्म्स यानी कि छोटे छोटे हाथ है, और ये ड्रॉपलेट्स जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो ये रिपल कर देते हैं, धक्का मार देते हैं एक दूसरे को, और ये टेक्निक इसे बोलते हैं स्टेरिक रिपल्जन। और फिर से ये पूरे मिक्सचर में क्या है कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है और फिर से हमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करना पड़ता। ये दोनों ही टेक्निक्स को सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा, पर ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और अब हम बात करेंगे कि हम इसे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये प्रीकास्ट कंक्रीट जहाँ पे बनता है वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स, फैक्ट्रीज में जहाँ पे प्रीकास्ट एलिमेंट्स कंक्रीट के बनते हैं वहाँ पे उसमें ये इस्तेमाल हो सकता है। फिर इसे हम फास्ट ट्रैक कंक्रीट यानी कि वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हमें मतलब जल्दी से कास्टिंग करना होता है, जल्दी से हार्डनिंग चाहिए होता है, इमरजेंसी रिपेयर वर्क्स, हाईवे वर्क्स, कोल्ड वेदर कंस्ट्रक्शन। तो इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि इस केमिकल को यूज़ करने का और एक बेनिफिट है कि हम फॉर्म वर्क यानी कि शटरिंग जो है वो जल्दी से मतलब निकाल सकते हैं। जल्दी से अगर हम और दूसरी जगह पे शटरिंग यूज़ करना है तो हम इस केमिकल को ऐड करके अर्ली सेटिंग कर सकते हैं। इससे क्या है कि हम ये शटरिंग जल्दी से निकाल सकते हैं। फिर इसे हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आरसीसी की ढलाई में
बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्लेसेस होती है जहाँ पे जहाँ तक मतलब डीप में वाइब्रेटर्स नहीं पहुँच सकता, ठीक से हम कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते, तो वहाँ पे क्या है कि हमें सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज़ करना है जो कि अपने आप कॉम्पैक्ट हो जाए और डीशटरिंग के बाद इसमें ठीक से हमें फिनिशिंग मिल जाए। तो उस तरीके का कॉन्क्रीट अगर हमें बनाना है तो उसमें भी ऐड करके हम इसे बना सकते हैं। और अब हम बात करेंगे सिक्का विस्कोक्रीट 20HE की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पे है हाई वाटर रिडक्शन, तो जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली कि कास्टिंग करते वक्त हमें क्या है कि एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करना पड़ता, बल्कि इसमें क्या है कि हम कम पानी में भी एक्स्ट्रा मतलब जो जितनी स्ट्रेंथ डिजायर्ड है वो अटेन करके दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हाई फाइनल डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ, तो ये भी पिछले पॉइंट के साथ ही रिलेटेड है। कम पानी ऐड करने के बावजूद ये क्या है कि हमें पूरा 100% हाइड्रेशन कंप्लीट करके देता है और 100% स्ट्रेंथ भी अटेन करके देता है, जिससे हमें मतलब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो है बहुत कम रहता है और इसकी डेंसिटी भी कम रहती है। और इसी वजह से क्या है कि मतलब वाटर लीकेजेस के प्रॉब्लम भी बहुत कम देखने को मिलते हैं इसमें। तो अगर आप ये केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो इन फ्यूचर क्या है कि आपके घर के अंदर तक नमी भी नहीं दिखाई पड़ेगी कोई भी RCC एलिमेंट्स है। नेक्स्ट ये फ्रेश कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाता है, तो इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में बात कर ली कि इस केमिकल को ऐड करने से मतलब बहुत आसानी से हम इस कंक्रीट पर काम कर सकते हैं, RCC एलिमेंट की ढलाई जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर इससे जुड़ी और एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें हमें अच्छी सरफेस फिनिश मिल जाती है, मतलब कि हम इसे प्लास्टर मोर्टर में इस्तेमाल करते हैं तो मतलब बहुत आसानी से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनिश मिलती है हमें सरफेस पे। फिर नेक्स्ट है अर्ली फॉर्म वॉक रिमूवल, तो इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी बात कर ली कि अगर शटरिंग की हमें जल्दी से रिक्वायरमेंट है कहीं और जगह पे, तो मतलब यहाँ पे हम क्या है कि इस केमिकल को ऐड करने से इसे जल्दी से निकाल भी सकते हैं, इससे हमें अर्ली सेटिंग देखने को मिल जाता है। और अब हम बात करने वाले हैं हाउ टू यूज़, यानी कि फ्रेश कॉन्क्रीट में हमें किस डोजेज में किस तरह से एग्जैक्टली इसे ऐड करना है। तो एक फ्रेशली मिक्सड कॉन्क्रीट में अगर आपको मीडियम वर्केबिलिटी चाहिए तो सबसे पहले तो आपको मतलब वो ड्राई मिक्स जैसे हम करते हैं वैसे तो करना ही है, उसके साथ साथ क्या है कि पानी में 0.2 से 0.8% तक बाय वेट ऑफ सीमेंट, यानी कि जितना सीमेंट है एज पर द डिज़ाइन उसका 0.2 से लेकर 0.8% बाय वेट लेना है हमें। फॉर एग्जांपल अगर 10 kg सीमेंट है तो उसका 0.2 से 0.8% तक का वेट लेना है हमें और पानी में इस केमिकल को मिक्स कर देना है। एंड जब हम इस ड्राई मिक्स में पानी मिक्स करते हैं तो इसके साथ साथ ये केमिकल भी मिल जाएगा। फिर अगर हमें इस फ्रेश कंक्रीट में हाई वर्केबिलिटी या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लो वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए तो ये केमिकल आपको बाय वेट ऑफ सीमेंट 1 से 2% तक ऐड करना है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है, इससे हमें थोड़ी ज़्यादा वर्केबिलिटी मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।